ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, अंग्रेजी वर्ष 2021 समाप्त हो गया है और ये समय है पिछले वर्ष की बेस्ट और वर्स्ट फिल्म्स की लिस्ट बनाने का। तो जैसा कि मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, 2021 के मैंने कुल मिलाकर 67 बॉलीवुड की फिल्में देखी थी, जिनमें से बड़ी मुश्किल से मैंने छाट छाट कर बेस्ट फिल्म्स के नाम साइड में निकाले हैं। वैसे हर वर्ष में कम से कम 10 फिल्मों के नाम तो आपको बताता ही हूँ, टॉप 10 बेस्ट फिल्म्स, पर इस वर्ष इन 67 फिल्मों में से 10 फिल्मों के नाम निकालना भी बहुत बहुत मुश्किल था। मैं निकाल ही नहीं पाया। कुल मिलाकर मैंने केवल 7 फिल्मों के नाम निकाले हैं इन 67 में से, वो काम भी भूसे के ढेर में से राई का दाना ढूंढने जैसा था। पर ये काम अभी हमने कंप्लीट कर लिया है और हम इस लिस्ट की तरफ आगे बढ़े। उससे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि देखिए, ये जो भी मैंने लिस्ट बनाई है वो मेरा पर्सनल ओपिनियन है, व्यक्तिगत मत है मेरा। ज़रूरी नहीं कि आप मुझसे एग्री हो सकता है कि आपकी लिस्ट अलग हो। और तो आपको 2021 की कौन सी फिल्में पसंद आई, आप नीचे कमेंट में अवश्य बताना। और मैं ये जो लिस्ट आपको बताने वाला हूँ, इसके बारे में आपके विचार क्या है, वो नीचे कमेंट में आप ज़रूर शेयर करना। तो चलिए बढ़ते हैं 2021 की टॉप 7। 10 नाम नहीं ढूंढ पाया हूँ मैं टॉप 7 लिस्ट की तरफ। हर वर्ष मैं ऑनरेबल मेंशंस में भी कुछ नाम बताता हूँ, मतलब 10 की लिस्ट में जो टॉप 10 में नहीं आ पाए हैं पर फिर भी आपको देखने चाहिए, ऐसे कुछ ऑनरेबल मेंशंस में भी मैं बताता हूँ। पर इस वर्ष ना, ये 7 नाम ही बड़ी मुश्किल से मैंने ढूंढे हैं, तो ऑनरेबल मेंशंस भी इस वर्ष नहीं है। 7वीं फिल्म का नाम है हम दो हमारे दो। देखिए, कई सारे मीडिया हाउस ने इस फिल्म को रिलेंटलेसली बनाल, डम और पता नहीं क्या क्या कहा था। बहुत सारा इस फिल्म को टारगेट करने का प्रयास किया गया, पर सीरियसली मुझे तो फिल्म बहुत बहुत पसंद आई। और 2021 में रिलीज हुई ये चुनिंदा उन फिल्मों में से एक थी जिसे हम अपने पूरे परिवार के साथ बैठकर देख सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। केवल मनोरंजन की दृष्टि से मैं नहीं कह रहा हूँ, ये फिल्म हमें हंसाती है, भावुक करती है, रुलाती है, और फैमिली वैल्यूज भी थे फिल्म में, एक अच्छा मैसेज भी था। कुल मिलाकर ओवरऑल हम दो हमारे दो ये फिल्म मुझे बहुत पसंद आई थी। और साथ में ही रत्ना पाठक शाह और परेश रावल, इन दोनों के परफॉर्मेंस, मतलब सच में वर्ष के सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस में से मैं उन्हें कहूंगा। तो फिल्म को जिस प्रकार से टारगेट किया गया ना, कि भाई अति तुच्छ कहा गया, रिलेंटलेसली बनाल, डम वगैरह जैसे शब्द उपयोग किए गए, वैसा तो इस फिल्म में कुछ भी नहीं था। तो ये थी हमारी 7वीं फिल्म हम दो हमारे दो। इसके बाद में आते हैं 6 नंबर की तरफ। तो 6ठी फिल्म है कागज। गांव में रहने वाले एक सामान्य व्यक्ति की शासन और प्रशासन के विरुद्ध की लड़ाई को इस फिल्म में दिखाया है। पंकज त्रिपाठी जी का परफॉर्मेंस तो फिल्म में कहने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही बढ़िया था। पर उनके साथ में ही मोनल गज्जर, उनका परफॉर्मेंस फिल्म में मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया था। गांव का वातावरण फिल्म में जिस प्रकार से दिखाया है, वो बहुत बहुत सुंदरता से उन्होंने गांव को चित्रित किया है। जिस प्रकार से एक बेटी का जन्म होने के बाद में गांव में किस प्रकार से उत्सव मनाया जाता है, ये भारत के गांव की असली तस्वीर जो उन्होंने फिल्म में दिखाई है, वो बात मुझे बहुत पसंद आई थी। एक पति और पत्नी के बीच का रिश्ता, रिलेशन उन्होंने जिस प्रकार से दिखाया है, वो इस फिल्म का एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट था। तो कुल मिलाकर परफॉर्मेंसेस लीजिए, टेक्निकली ले लीजिए, फिल्म की कहानी ले लीजिए, गाँव का वातावरण, सब कुछ ओवरऑल मुझे फिल्म में सब कुछ पसंद आया था। इसके बाद 5 नंबर पर है सरदार उधम। ये फिल्म देखिए, मैंने इस फिल्म के रिव्यू में जो बात कही थी, वही बात मैं यहाँ पर भी कहना चाहूँगा। ये फिल्म टेक्निकली एक्सट्रीमली वेल मेड है। जहाँ तक बात है विजुअल्स की, इस फिल्म के लिए बस एक ही शब्द हमारे मन में आता है और वो है मास्टरपीस। चाहे सेट्स हो, लोकेशन हो, कॉस्ट्यूम हो, मेकअप हो, परफॉर्मेंसेस हो, ये फिल्म पूरी तरीके से हमें उस समय में लेकर के जाती है। जस्ट परफेक्ट थी ये फिल्म विजुअली। पर अगर हम बात करें इमोशंस की, भावनाओं की, तो हम ऐसी फिल्म से एक्सपेक्ट करते हैं, अपेक्षा करते हैं कि ये फिल्म हमारे अंदर एक राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की भावना जगाएगी। पर ये फिल्म हमारे अंदर वो राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की भावना नहीं जगा पाती है। मैं अपनी पर्सनली बात करूँ तो मैं भावनात्मक रूप से फिल्म के साथ उतना नहीं जुड़ पाया था। हाँ, जो जालियांवाला बाग हत्याकांड का जो दृश्य था, सीन था, वो सच में बहुत बहुत हृदय द्रावक था। पर जैसे कि मैंने आपको कहा, विजुअली फिल्म को बहुत बारीकी से दिखाया गया है, चित्रित किया गया है, पर इमोशनली मैं फिल्म के साथ उतना कनेक्ट नहीं हो पाया था। फिल्म में ब्रिटिशों की भी पॉइंट ऑफ व्यू को दिखाने का जो प्रयास किया है, कि जिस अधिकारी ने ऑर्डर दिया था वो ये कहता है कि भाई हिंसा हो सकती थी बहुत बड़ी, इसलिए मुझे ऑर्डर देनी पड़ी, या जो दूसरा अधिकारी था वो सुबह 6 बजे कहता है कि मैं रात भर सो नहीं पाया, एक चेहरे पर उसके बहुत दुख छाया
पीड़ा दिखाई देती है और इन बातों को कहीं पर काउंटर भी नहीं किया गया। और ये भी छोड़िए, दूसरा जो बात मुझे इस फिल्म की जो उतनी पसंद नहीं आई वो ये कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को फिल्म में कम्युनिस्टों के एक रेजिस्टेंस की तरह दिखाया था, कि ब्रिटिशों के कुशासन के विरुद्ध कम्युनिस्टों का रेजिस्टेंस की तरह उसे दिखाने का प्रयास किया था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को, जो बात मुझे पसंद नहीं आई। कार्ल मार्क्स के जन्म से भी सैकड़ों वर्ष पहले से भारतीय विदेशी आक्रांताओं से लड़ रहे हैं, छत्रपति शिवाजी महाराज जी, गुरु गोविंद सिंह जी, महाराणा प्रताप जी, रानी वेलु नाचियार जी, रानी अबक्का जी, रानी दुर्गावती जी, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जी, ऐसे वीर महापुरुषों की, वीरांगनाओं की ये भूमि है। तो हमें विदेशी आक्रांताओं के विरुद्ध लड़ने के लिए किसी विदेशी आइडियोलॉजी की आवश्यकता नहीं है। तो ये भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को जो कम्युनिस्टों के रेजिस्टेंस की तरह फिल्म जो कुछ जगहों पर दिखाने का प्रयास करती है वो बात मुझे उतनी पसंद नहीं आई। पर अगर हम बात करें परफॉर्मेंसेस की या फिर विजुअल्स की या फिर टेक्निकली अगर हम देखें तो ये फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड है। वहां पर बस एक ही शब्द हमारे मन में आता है और वो है मास्टरपीस। इसके बाद 2021 की चौथी सबसे बढ़िया फिल्म है राम प्रसाद की तैरवी। 1 जनवरी 2021 को ये फिल्म थिएटर में रिलीज हुई थी और इसे देखने के बाद में मुझे ऐसा लगा था कि चलो 2021 की शुरुआत बहुत बढ़िया हुई है और ऐसी ही और कई सारी फिल्में हमें 2021 में देखने को मिलेंगी। पर ये 2021 की उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है राम प्रसाद की तैरवी, जिसके साथ हम इमोशनली कनेक्ट हो पाते हैं। मुझे ये फिल्म बहुत बहुत पसंद आई थी। देखिए, इस फिल्म में कोई बड़ा चेहरा नहीं है, कोई बहुत बड़ा सेलिब्रिटी नहीं है, कोई मीडिया में इसका कोई बज़ नहीं था, सोशल मीडिया पर कोई इसके बारे में चर्चा नहीं कर रहा था, ज़्यादातर लोगों को तो फिल्म का नाम तक पता नहीं था। पर फिर भी इस फिल्म को देखकर आने के बाद थिएटर से ही गाड़ी में बैठकर मैंने इसका रिव्यू किया था। मुझे इतनी ज़्यादा ये फिल्म पसंद आई थी, इतना भावुक मुझे इस फिल्म ने अंत में कर दिया था। फिल्म की कहानी मुझे बहुत पसंद आई थी। एक भारतीय परिवार को जिस प्रकार से फिल्म में दिखाया गया है वो बात मुझे इस फिल्म की बहुत पसंद आई थी। इसके साथ ही कास्टिंग इस फिल्म का सबसे बड़ा प्लस पॉइंट थी। सीमा पाहवा जी इस फिल्म के डायरेक्टर है, बहुत बहुत सुंदरता से मतलब उन्होंने इस फिल्म को बनाया है। फिल्म में एक छोटी बहू घर की दिखाई गई है जो काफ़ी मॉडर्न है। एक्ट्रेस बनने के लिए गई थी वो मुंबई, पर जब वो वहाँ से वापस आती है तो थोड़ा सा अपनी अकड़ में उसे रहते हुए दिखाया है। कुछ दूसरों के साथ में बात वगैरह नहीं करना, 6 वर्ष उसके विवाह को हो गए हैं पर वो बार बार भ्रूण हत्या कर देती है, अबॉर्शन कर देती है, अपने पति के साथ भी वो अन्याय कर रही है। पर ऐसी छोटी बहू को फिल्म के अंत में उसे उसकी गलती का एहसास करवाया गया है। इस बात को लेकर भी उसको लेकर भी लिबरल्स ने काफी इस फिल्म को टारगेट किया था कि भाई इसमें अबोर्शन को, भ्रूण हत्या को सपोर्ट क्यों नहीं किया गया वगैरह वगैरह। दोस्तों, अब हम आते हैं टॉप 3 फिल्म्स की तरफ। तो 2021 की तीसरी सबसे बढ़िया फिल्म है मिमी। इस फिल्म के बारे में तो कहना ही क्या दोस्तों, मतलब जिस प्रकार से इस फिल्म को टारगेट किया गया था ना, कितने सारे आर्टिकल्स, किस प्रकार से बड़े बड़े मीडिया हाउस, मेन स्ट्रीम क्रिटिक्स जो अपने आप को बहुत लिबरल, ओपन माइंडेड वगैरह मानते हैं, उन्होंने जिस प्रकार से इस फिल्म को टारगेट किया था ना मिमी को, वो सच में हास्यास्पद था। मुझे पूरा अलग से वीडियो बनाना पड़ा था इस पर कई सारे आर्टिकल्स वगैरह मैंने काफ़ी डिटेल में हमने बात की है, और अगर आपने वीडियो नहीं देखा है ना उसे ज़रूर देखना, बहुत सारी बातें आपको उससे पता चलेगी। तो आप ही बताइए दोस्तों, मतलब जिस फिल्म में एक मध्यम वर्गीय भारतीय परिवार दिखाया गया हो, जो समझदार हो, जहाँ पर कोई सो कॉल्ड टॉक्सिक पेट्रियार्की नहीं है, जिस घर के लोग जिनमें मानवता है, जो अपनी बेटी का सम्मान करते हैं, या फिर जिस फिल्म में भ्रूण हत्या ना करके एक स्त्री अपने मातृत्व का सम्मान करती है, या फिर अपने बच्चे को जो महत्व देती है, इस प्रकार से जिसमें दिखाया गया हो, मातृत्व का सम्मान किया गया हो जिस फिल्म में, या फिर सुसाइड को रोमेंटिसाइज ना करके पुरुषार्थ को जिसमें महत्व दिया गया हो, या पुरुषार्थ का जिसमें महत्व बताया गया हो, ऐसी कई सारी बातें थी इस फिल्म की जो बातें लिबरल्स को पसंद नहीं आई थी, जिसको लेकर इस फिल्म को टारगेट किया गया था, और मुझे फिल्म बहुत पसंद आई थी। अब दोस्तों, टॉप 2 फिल्म्स के नाम बचे हैं और मुझे विश्वास है कि इसमें से एक फिल्म का नाम तो आप सभी ने लगभग गेस कर ही लिया होगा। अब हम इन 2 फिल्मों के नाम मैं आपको बताऊं, उससे पहले आप कमेंट में बताइए कि ये टॉप 2 फिल्म्स कौन सी हो सकती है। चलिए, तो 2021 की दूसरी सबसे बढ़िया फिल्म है स्टेट ऑफ सीज टेम्पल अटैक। देखिए, बॉलीवुड में अक्षरधाम मंदिर पर जो एक आतंकी हमला हुआ था उस पर फिल्म बनना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आश्चर्य है। वो भी अक्षय खन्ना जैसे एक इतने बड़े कलाकार को लेकर एक अच्छे खासे बजट के साथ इस फिल्म को बनाया गया था, ये अपने आप ही एक आश्चर्य है। और इसी एक रीजन के कारण ही हम इस फिल्म को इस लिस्ट में ऐड कर सकते हैं।
2021 की टॉप बेस्ट फिल्म्स की लिस्ट में, और केवल फिल्म का जो सब्जेक्ट है उस कारण से ही नहीं, फिल्म टेक्निकली भी वेल मेड थी। कहीं पर भी किसी भी प्रकार से ये फिल्म हमें निराश नहीं करती है। इस फिल्म का जब टीजर रिलीज हुआ था, टीजर के बाद जब ट्रेलर रिलीज हुआ, सीरियसली किसी ने भी बात नहीं की थी अक्षय खन्ना की ये पहली ओटीटी फिल्म थी। इतनी बड़ी फिल्म, अच्छे खासे बजट के साथ फिल्म को बनाया गया था, और एक सक्सेसफुल सीरीज का ये सिक्वल थी ये फिल्म। पर फिर भी पूरे यूट्यूब पर मैंने देखा सब तरफ शांति ही शांति थी, किसी ने इसके बारे में चर्चा नहीं की थी। मैंने सबसे पहले इस पर वीडियो बनाया था और कहा था कि इस पर कोई आखिर चर्चा क्यों नहीं कर रहा, बिल्कुल द कश्मीर फाइल्स की तरह उस समय भी शांति थी। फिल्म रिलीज होने के बाद में कुछ लिबरल क्रिटिक्स ने तो यहां तक कहा था कि भाई इसमें ये जो आतंकवादी दिखाए हैं, ये गुड वर्सेस एविल क्यों दिखाया है उन्हें, मतलब उनमें कोई शेड्स क्यों नहीं है, ग्रे शेड्स देखने, मतलब लिबरल्स का हमेशा से ही है, उन्हें आतंकवादियों में भी ग्रे शेड्स वगैरह देखने होते हैं, जैसा कि द फैमिली मैन वेब सीरीज वगैरह में दिखाया जाता है। तो यहाँ पर उन्हें ये समस्या थी कि भाई इसमें ये ग्रे शेड्स क्यों नहीं है, गुड वर्सेस एविल क्यों दिखाया है, बताइए। मैं तो इसके सिक्वल का वेट कर रहा हूँ। एंडिंग में जो एक टैक्सी ड्राइवर उन्होंने दिखाया है, वो कौन है, इसके बारे में मतलब उसको लेकर क्या कहानी वो आगे डेवलप करने वाले हैं, ये मैं देखने के लिए बहुत बहुत उत्सुक हूँ। अब दोस्तों, जिस फिल्म का नाम बचा है उसे आप सभी ने लगभग गेस कर ही लिया होगा। तो 2021 की सबसे बढ़िया फिल्म थी शेरशाह। धर्मा प्रोडक्शंस इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहा है, ये जानने के बाद में मैं थोड़ा सा अंदर से डरा हुआ था कि पता नहीं गुंजन सक्सेना की तरह कुछ इसमें ना दिखा दे, पता नहीं फिल्म कैसी होगी क्या, काफ़ी मन में अलग अलग प्रकार का संशय आ रहा था। पर फिल्म रिलीज होने के बाद में मतलब मैं बहुत भावुक था फिल्म के अंत में। जो हम एक पेट्रियोटिक फिल्म से जो हम एक्सपेक्ट करते हैं ना कि ये फिल्म हमारे अंदर राष्ट्रवाद की, राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की भावना जगाएगी, वहाँ पर ये फिल्म पूरी तरीके से हमारे अंदर वो राष्ट्र प्रेम की, देश प्रेम की भावना जगाने में सफल रहती है। सिद्धार्थ मल्होत्रा का ये उनके करियर का अब तक का सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस मैं कहूँगा। टेक्निकली भी फिल्म एक्सट्रीमली वेल मेड थी। अब इसके बाद में बॉलीवुड की टॉप फर्स्ट फिल्म्स की लिस्ट अपलोड करने वाला हूँ, जो बहुत बहुत लंबी है, कुछ ज़्यादा ही लंबी है, मतलब 67 फिल्में, उनमें से ज़्यादातर फिल्मों में मुझे टॉर्चर ही किया है केवल। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।